नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हमारे ये GS का 11वां पार्ट है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया GK पर, और इसके थोड़ी देर बाद हम लोग एक और नई वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड GK की। तो अभी फिलहाल बात करते हैं इंडिया GK की, ठीक है। इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपने एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से, यानी कि जो भारत नाम पड़ा है हमारे देश का, वो कौन से प्रतापी राजा के कारण इसका नाम पड़ा। तो उन राजा का नाम था भरत चक्रवर्ती, इन्हीं के नाम के कारण हमारे भारत नाम की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कौन सा है, मुंबई है। इसके बाद बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान है। बहुत ही इजी से क्वेश्चन आप लोग लेकर आए, लेकिन बात अभी इंडिया GK की हो रही है ना, तो लेवल वाइज चल रहे हैं इसमें भी। तो पहले इजी, फिर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इस तरीके से चलते रहेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये भी आप सभी जानते हैं कि गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र। अब बात करते हैं कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, 1916 में। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये है कहाँ पर, यानी कि कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये है आप लोगों के मुंबई का, तो ये मुंबई में स्थित है। अब बात करते हैं कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो उनका नाम है कमलजीत संधू, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, किसमें, एशियाई खेल में। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कौन थी, बछेंद्री पाल, ठीक है दोस्तों। तो कौन थी यहाँ पर, बछेंद्री पाल थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब बात करते हैं भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, तो जो पहली महिला IPS है वो थी किरण बेदी, ठीक है, श्री किरण बेदी, श्रीमती किरण बेदी जी। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, इनका नाम है सम्माननीय श्रीमती सरोजनी नायडू जी। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश यानी कि जो जज थी वो हैं श्रीमती M. फातिमा बीबी, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके गवर्नर जनरल थे, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ हमारे पढ़ते चलिए और देखते रहिए BSA ट्रिकी क्लासेस को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कि प्रथम प्रधानमंत्री सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। और बात करते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है जवाहर सुरंग, और भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो है गोमतेश्वर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू जैसे कि हमारा जब देश आज़ाद होगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू भी इसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी हमारी श्रीमती सम्माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे सम्माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहली बार इन्हें मिला था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब हम लोग देखिए बात करते हैं कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये भी आपके एक इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके राकेश शर्मा, ठीक है। अब बात करते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यानी कि आपका दो पोल आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली जो हमारी इंडियन फर्स्ट वुमेन है वो है हमारी रीना कौशल धर्मशक्तु। अब बात करते हैं कि भारत में बनी हुई पहली भारतीय फिल्म जो आपकी मूक जैसे बोलते हैं यानी कि मौनी सिनेमा,
ये थी आपकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र। ये भारत में निर्मित पहली फिल्म है। अब बात करते हैं कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र ये कब निर्मित हुई थी, यानी कि कब बनी थी, तो 1913 ईस्वी में ये बनी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया। अभी हम लोगों ने बात की थी कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, किसके प्रताप, कौन से प्रतापी राजा के कारण पड़ा। अब बात कर रहे हैं कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इसकी इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है सिंधु शब्द से। तो दोस्तों आज के इस जीके, इंडिया की जीके में सिर्फ इतना ही। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद एक और वीडियो अपलोड करेंगे जो हमारी जीके है उसके बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो के क्वेश्चंस को वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।